Hey guys, welcome back to my channel Dibjani Official and here is Dibjani. So you are watching Dibjani Official. आज हम थोड़ा सा संडे स्पेशल थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे सारे फ्रेंड्स मिलके और कैमरा ऑन करते ही इन लोगों का नौटंकी पंती शुरू हो जाता है. ये देखो ये सब क्या कर रही है लोग. कंट्रोल एंड यहाँ पे मेरी एक दोस्त फोन पे बिजी है. किधर है यहाँ पे हैप्पी है क्या छो तुम्ही? तुमसे ना हो पाएगा. वेलकम गाइस चैनल टू माय ब्लॉग. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा. इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है. ये है राजेश. जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ तभी इसको कुछ ना कुछ बोलना होता है. देखो क्या बोलता है ये. हमारे भूल से वेलकम टू माय गाइस. हां नाइस नाइस. विशेष एक व्यक्ति को एक से माय से वीडियो करा और फोटो करा जीवन से. ये क्या बात करता है यार. हां आ तो আর তোর চুল ধরন করে দিন শেষ হইতো না. ক্যামেরা দেখলে গেলে চুল আতাস. यहाँ पे है ये श्रेया जो बहुत दूर से आई है अगरतला घूमने के लिए हमारे साथ. तो आज का दिन इसके साथ स्पेंड हुआ वेल स्पेंड. यहाँ पे हम लोग क्यों हंस रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता. जब एक साथ होते तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स ग्रुप में कि बहुत ज़्यादा मतलब हंसते हैं हम लोग. यहाँ पे मेरे सारे कॉलेज फ्रेंड्स आ चुके थे और पीछे है श्रेया और मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा दूँ. ये है अनुजिता एंड पीछे है दीपा एंड वो लोग हाय बोल रहे थे मैं जिनको. ये है प्रीति एंड ये है राजदीप एंड या. तो अभी संडे के लिए हम रेडी हो गए तो अभी घूमने जाएंगे थोड़ा सा जगन्नाथ बरी हम लोगों ने प्लान किया था जैसे. और ये अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि उस दिन ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था एंड गर्मी के मारे तो तबीयत भी बहुत ख़राब हो रहा था. एंड ये बच्ची बहुत क्यूट है जो कि श्रेया के साथ आई है छोटी बहन है. एंड अभी आ चुके हैं जगन्नाथ बरी में. जगन्नाथ बरी में ना एक मतलब एक अलग सा शांति मिलता है मतलब श्री कृष्ण का वाइब्स वगैरह मुझे लगता है थोड़ा सा. एंड अभी पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे बातें कर रही है शायद रंजना के साथ वो. और हाँ रंजना नहीं आई क्योंकि उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए था अकेले तो हम लोग ही आ गए. एंड अंदर आप लोग देख लो मैं पूरा दिखाऊँगी आप लोगों को. तो या ब्लॉग एंजॉय करते रहिए. सबसे मज़ेदार बात तो तब होती है जब हम सारे फ्रेंड्स एक साथ होते हैं. तो मुझे ना थोड़ा सा उस दिन थोड़ा सा पता नहीं क्यों कॉलेज फ्रेंड्स के साथ भी वक्त बिताना पड़ रहा था स्कूल फ्रेंड्स के साथ भी. मतलब एक तरफ मैं इधर जा रही थी एक तरफ मैं उधर जा रही थी. तो यह इट वाज अ गुड डे मतलब गुड डे स्पेंड हुआ जगन्नाथ बारी में एंड राज बारी में. तो या अभी हम जूते खोल रही हूँ तो इसको खोल के अभी अंदर प्रवेश करेंगे. तो या देखो यहाँ पर राजेश नौटंकी पंती शुरू कर दिया उसने अभी करके. मॉडल्स हमारी जो मॉडल्स है सस्ती मॉडल्स जा रही है आप लोग देख सकते हो. एंड यहाँ पर अभी मैं भी चल के जाऊँगी. तो मैंने राजेश को बोला मेरा कैमरा पकड़ थोड़ा मुझे भी तो देखना चाहिए ब्लॉग में क्योंकि मेरा ब्लॉग हो रहा है पता तो चलना चाहिए लोगों को. तो अभी हम जा रहे थे वो जो मंदिर आप सामने देख रहे हो वहाँ पर और हंसते हुए दिल को शांत करते हुए सारे डिप्रेशन को दूर भगाते हुए. एंड यहाँ पे उस पेड़ के साथ ना एक पार्वती जी और शिव जी का मतलब मूर्ति है तो मैं उसको प्रणाम कर रही थी. एंड यहाँ पे श्रेया और श्रेया की सिस्टर बातें करते करते गप्पे लड़ाते लड़ाते आ रही है धीरे धीरे. ये देखो भगवान जी. एंड मेरे ना आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाता है तो मैं पोस्ते पोस्ते ना खुद ही थक जाती हूँ इतना स्वेटिंग होता है.
एंड यहाँ पे है इस वाले मंदिर में ना श्री कृष्ण भगवान जी का मूर्ति है जितना मुझे पता है। एंड यहाँ पे शायद लोग रहने आते हैं, ऊपर जो बिल्डिंग आप देख रहे हो। एंड यहाँ पे ना इतना नीट एंड क्लीन है कि आप जाके ही आपका मन शांति हो जाएगा। एंड मैं अम्ब्रेला लेके घूम रही हूँ क्योंकि डोंट माइंड ज़्यादा धूप था। छोटी छोटी मछलियाँ भी थी मतलब अंदर, और कुछ लोग इन लोगों को खाना भी दे रहे थे। अच्छा ही लग रहा था, सब तरह से सब जगह से पानी है और अंदर एक मंदिर है। एंड श्रेया पता नहीं कहाँ ही देख रही थी, कैमरा देख के मुँह ठीक कर लिया। तो ये लोग फोटो सेशन कर रहे थे, उसके बाद मैं ढूंढ रही थी कि पानी पानी खाना है मुझे, और ये लोग घूमने का नाम ही मतलब बंद नहीं कर रहे थे। तो मैं ना 5:30 बज रहे थे, तो ये लोग आए ही थे 4 बजे, तो ये लोग और ज़्यादा घूमेंगे। तो हम जो राजेश और श्रेया है, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम चले जाएंगे। फिर पानी वानी पिया, और पानी वानी पी के सिर्फ हम लोग, मैं अंदर का आप लोगों को दिखा रही हूँ कि दिखने में क्या होता है। तो या अभी घर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। अगरतला में इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि जो श्रेया आई थी वो भी बोल रही थी कि इतना ज़्यादा गर्मी हो। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया फुचका खाने को, 10 रुपये का फुचका हमने लिया क्योंकि गरीब है, कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ का अब आए तो यहाँ पे बहुत सारा दुकान है, आप कुछ भी परचेस कर सकते हैं। छोटी सी बच्ची थोड़ी सी नाराज़ है। तो आज का ब्लॉग यही थे, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।